सत श्री अकाल दोस्तों, फ्रंट लाइन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले की बड़ी खबर आ रही है, पंजाब सरकार वालों पंजवीं तो बारहवीं तक के विद्यार्थियों लिए स्कूल खोलन का ऐलान। पंजाब के स्कूल सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने अज कहा कि मापियां की पढ़ाई संबंधी फिक्रबंदी के मुद्दे नज़र सूबा सरकार ने 7 जनवरी तो सारे सरकारी अर्ध सरकारी प्राइवेट स्कूल मुड़ खोलन का फैसला किया। सिंगला ने दसा कि स्कूलों का समा सवेरे 10 बजे तो दोपहर 3 बजे तक रहेगा, तो सिर्फ पंजवीं तो बारहवीं जमात के विद्यार्थियों ही स्कूलों में आ के क्लासा लगाने की आग्ञा दी जाएगी। विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सहमति देंदे हुए सिक्ख्या विभाग को कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बच्चों की सुरक्षा यकीनी बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अगे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना करद सारे स्कूल प्रबंधकों सेहत विभाग वालों जारी की हदायतों की सख्ती पालना करने लिए कहा गया ता जो कोरोना वायरस के खतरे को रोकया जा सके। कैबिनेट मंत्री ने दसा कि सिक्ख्या विभाग ने स्कूलों के मुखियों तो फीडबैक ली और बच्चों की सुरक्षा यकीनी बनाने के नाल मुखिया ने विद्यार्थियों की सालाना प्रीख्याव की अंतम रिवीजन तो पहला मुड़ स्कूल खोलन की बेनती की। विद्यार्थियों म्यारी सिक्ख्या सहूलत प्रदान करने असल करोना योद्धा वजों कार्ज करने वाले अध्यापकों की शलांघा करद सिक्ख्या मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल 7 नवंबर में एक मैगा प्रोग्राम की प्रधानगी करद बारहवीं जमात के विद्यार्थियों स्मार्टफोन की वंड मौके मिशन 7% की शुरुआत की। इस ऐलान तो बाद समुचा सिक्ख्या विभाग खास करके स्कूलों के अध्यापकों ने मुख्यमंत्री के सुपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह जुट गए। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नवी खबर के नाल, तद तक के लिए सत श्री अकाल।